माई चैनल। बहुत ही हार्डी प्लांट्स हैं जो शेयर करूंगी आपसे, ये कभी भी मरते नहीं हैं। इनको जो बिगनर्स हैं जो गार्डनिंग करना चाह रहे हैं इस मॉनसून, वो बहुत इजीली लगा सकते हैं। तो पहला प्लांट था स्नेक प्लांट, दूसरा प्लांट है एलोवेरा का, और ये दोनों पौधे जो हैं वो बहुत ही हार्डी हैं। हार्डी होने के साथ साथ ये बहुत सारे बेबी पप्स भी निकालते हैं और आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छे हैं। इंडोर भी आप लगा सकते हैं, आउटडोर भी। तो आप इन पौधों को बगैर सोचे समझे या जिसको गार्डनिंग नहीं आती है वो भी इनको बहुत इजीली लगा सकते हैं बारिशों के सीज़न में। एगिव प्लांट है, इस प्लांट को भी दो वेराइटीज़ हैं इसमें, एक इस तरह जिसमें येलो पैटर्न है और एक टोटली ग्रीन लीव्स है। बहुत हार्डी प्लांट है, मेडिसिनल प्लांट है, तो इसको आप इस तरह अपने लॉन में लगाना चाहें या फिर पॉट्स में लगाएं तो ये भी बहुत सारे बेबी पप्स निकालते हैं और बढ़ते ही चले जाते हैं। पानी नहीं भी देंगे काफ़ी दिन तो गुजर जाएंगे, ये बहुत अच्छे से चलता रहेगा, ये मरता नहीं है, बहुत अच्छे से चलते रहते हैं और नए पौधे भी देते रहते हैं। चंपा का प्लांट है, प्लूमेरिया भी कहते हैं इसे, ये बहुत ही खूबसूरत सी फ्लावरिंग करता है गमले में, ज़मीन में, बहुत लंबे अरसे तक चलता रहता है। कटिंग से भी लग जाता है, लेकिन अगर आप गमले लेके आना चाहें नर्सरी से तो आपको पौधा भी बना हुआ मिल जाएगा। तो इसमें डिफरेंट कलर के फ्लावर्स आते हैं, बहुत ही खूबसूरत सा पौधा है। अगर आप लॉन में लगाना चाह रहे हैं तो ज़रूर इसको ऐड कीजिएगा। कनेर का प्लांट है, ये आपको सड़क की साइड में बहुत दिखता है या फिर पार्कों में भी, क्योंकि ये बहुत हार्डी प्लांट है, पानी मिले ना मिले ये पौधे चलते रहते हैं और बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते रहते हैं। तो इन हार्डी पौधों को आप लगा सकते हैं अगर आप गार्डनिंग की शुरुआत करना चाह रहे हैं या फिर आप अपने घर में कुछ नए पौधे ऐड करना चाहते हैं जो कि ज़्यादा केयर ना मांगते हों, तो आप इन पौधों को लगा सकते हैं। मैक्सिकन पटूनिया है, ये देसी वैरायटी है, इसमें हाइब्रिड में काफ़ी कलर मिल जाते हैं, तो ये भी काफ़ी हार्डी प्लांट हैं। इनकी थोड़ी सी केयर अगर आप करेंगे तो पूरा साल ये आपके पास चलते रहते हैं। ग्राउंड में लगाएं, पॉट में लगाएं, बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करेंगे। विंका का पौधा है, तो ये सबसे ईजी प्लांट है किसी भी नए गार्डनर के लिए, तो आप इसकी देसी वैरायटी लेके आएँ, क्योंकि इसमें हाइब्रिड मिल जाती हैं वो थोड़े से सेंसिटिव होते हैं, लेकिन ये जो देसी वाला है इसमें दो कलर हैं, वाइट और पर्पल, तो ये बहुत लंबे अरसे तक चलते रहते हैं, ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़ती, काफ़ी हार्डी प्लांट्स हैं। तो आप इनको फ्लावरिंग के लिए, ग्रीनरी के लिए लगा सकते हो, बहुत खूबसूरत लुक भी देते हैं और उसके साथ साथ इनकी केयर भी नहीं करनी पड़ती, ना ही ज़्यादा खादें देने पड़ती हैं। तो ये सभी पौधे उन लोगों के लिए हैं जो नई नई गार्डनिंग शुरू करना चाह रहे हैं या फिर अपने घर पे कुछ पौधे लगाना चाह रहे हैं जो इजी टू केयर हों, जो चलते रहें और उनको बार बार लगाना ना पड़े। यहाँ पे है गुल दोपहरी पॉटुला का, ये देसी वाली है, इसमें हाइब्रिड भी मिल जाएगी सिंगल और डबल पेटल में भी, इसमें बहुत प्यारे कलर्स हैं। ये भी ऐसा पौधा है कि आपने एक दफ़ा लगा लिया तो फिर ये कभी ख़त्म नहीं होगा आपके घर में से, इसके सीड बन के गिरते रहते हैं, ये कटिंग से भी लग जाता है और जहाँ पे ये ग्रो हुआ होता है सीज़न आने पे वहाँ पे दोबारा से अपनी ग्रोथ करता है और नए नए कलर्स इसके ऊपर खिल के आते हैं ओपन पोलिनेशन की वजह से। तो इस पौधे को मुख्तलिफ कलर के इसमें फ्लावर्स हैं, तो इतनी वैरायटी के फ्लावर्स के लिए भी आप अपनी क्यारियों में, अपने लॉन में, अपने पॉट्स में इन पौधों को ऐड कर सकते हो। उसके अलावा हमारे पास फर्न के प्लांट्स हैं, तो ये थोड़ी नमी वाली जगह पे ग्रो करते हैं, इनमें बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, आप नर्सरी से पता कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी वैरायटी फ़र्न की मिल जाती है जिसमें के फॉक्स टेल है, उसके अलावा एस्परेगस फर्न है या फिर और भी काफ़ी सारी वैरायटीज़ हैं, तो आप इनको ऐड कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी सी ग्रीनरी आपके घर में ऐड करते हैं, जहाँ भी आप लगाएंगे बहुत खूबसूरत लगेगा, चलता रहेगा, नए नए पौधे तैयार करता रहता है। इसकी जड़ों को हम अलग करें तो वहाँ से हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, जिससे कि एक पौधे से आप बहुत ढेर सारे पौधे बना सकते हो। उसके अलावा जेड प्लांट है, और इन सभी पौधों को पानी की बहुत ज़रूरत नहीं है, सिंपल आपने उनको एक ही दफ़ा वाटरिंग अच्छे से करनी है तो ये पौधे आपके अच्छे चलते रहेंगे। जेड है, ये सेमी सकुलेंट है, यह आप ज़मीन में, बड़े गमले में, छोटे पॉट में, जहाँ कहीं भी लगाएंगे बहुत फैलता है, और कटिंग लगाते जाएं ये ढेरों ढेर आपके पास तैयार होते चले जाएंगे।
नर्सरी से थोड़ा कॉस्टली मिलता है। अगर आपको कटिंग से ऐड करना है तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये कटिंग से लग जाता है, आप कहीं से भी लाके इसकी लगा सकते हो। बहुत ही खूबसूरत लश ग्रीन प्लांट है, इसी तरह हेल्दी रहता है, ग्रो करता रहता है, इसकी पत्तियाँ भी बहुत खूबसूरत लगती हैं। ना तो ज़्यादा खादें देनी पड़ती हैं, ना ही ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। लास्ट प्लांट जो हमारा है वो है जेट्रोफा का प्लांट, बहुत खूबसूरत पार्क्स में और रोड साइड पे आपको दिखेगा। तो ये वाला प्लांट भी आप कटिंग लगाना जानते हैं तो आप कटिंग से लगा सकते हैं, अदरवाइज़ नर्सरी से आपको मिल जाएगा। इसमें दो कलर्स आपको मिल जाएंगे, लाइट पिंक डार्क पिंक, और थोड़े से इसके लीव्स के पैटर्न में भी फ़र्क है, इसकी दो वेराइटी हैं। तो बहुत खूबसूरत पौधा है, ये परमानेंट है, फूलों से भरा रहता है, गुच्छों में इसमें फूल आते हैं। आप इसको अपने लॉन में, बाउंड्री पे या फिर गमले में लगाना चाहें टेरेस पे तो बहुत इजीली लग जाएगा, कोई केयर नहीं है। सभी हार्डी प्लांट थे तो ज़रूर ऐड कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।